बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव की एंट्री हुई है। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस की ओर से उन्हें बिहार के चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुभाषिनी ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा किया और बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने की बात भी कही। बता दें कि बिहार में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।